हमारे पास वॉशिंग मशीन है सेम ही वाली, इसके अंदर जो है पाइप नहीं लगा हुआ है, इसका ड्रेन पाइप लगाएंगे हम। किस तरीके से लगाते हैं आइए देखते हैं। पहले हमने ये जो पाइप है इसको कपड़े से अच्छी तरीके से साफ कर लिया है ताकि इसमें पानी न रहे। और ये पाइप है हमारे पास, ये हमने दोस्तों यहाँ से निकाला और ये मशीन में इस तरीके से ये यहाँ निकल गया है। निकलने के बाद इसके अंदर हम ट्यूब लगाएंगे, ये फेविकोल का ट्यूब होता है जिससे जो है ये पाइप फिक्स हो जाएगा और ये बार बार निकलेगा नहीं। ये ट्यूब लगा दिया हमने, लगाने के बाद इसको यहाँ इस तरीके से हमने खूब अच्छी तरीके से ऊपर को चढ़ा करके ये टाइट कर दिया दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये ड्रेन पाइप लगता है। फ्रेंड्स ये हमने पाइप लगा दिया है, आप देख सकते हैं, और इस पर ट्यूब लगा दिया है। अब ये रहा इसका बैक कवर, ये इस तरीके से ये बिठाया हमने और ये बिठाया, ये इस तरीके से इसका बैक कवर, ये लॉक लगाया, ये दबाए और इस तरीके से ये बैठता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो।